सो गाइस भाई मैं जाता हूँ, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग फ्रॉम हल्द्वानी। तो अभी चलिए मैं सबसे पहले अपना हॉस्टल दिखाता हूँ आपको। ओके सर, ये हमारा हॉस्टल। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल के बैक साइड पे, और यहाँ से देखो कैसे खतरनाक से व्यू दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज सूरज पूरा निकल चुका है, तो ज़्यादा ठंड तो नहीं रहेगा। एंड अभी तक जो आप ब्लॉग्स देख रहे थे उसमें बस हाईवे 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 दिख रहा था, लेकिन आज से मैं आपको अपने ब्लॉग्स में थोड़ा पहाड़ दिखाता हूँ। एंड जो ब्लॉग्स है वो थोड़ा सही से बनाने का ट्राई करता हूँ। तो अभी 10 बज गए और फटाफट से निकलते हैं अब यहाँ से। ओके सुबह सुबह लोग निकल चुके हैं सातताल के लिए। तो यहाँ पे ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे लोकेशन है। एक सातताल है, भीमताल है एंड नैनीताल है, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ से आपको अच्छे अच्छे व्यूज दिखते हैं। अभी हम लोग फर्स्ट जा रहे हैं सातताल के लिए, तो वहाँ से भीमताल भी कवर हो जाएगा। एंड देन वी विल सी कि और आगे कहाँ कहाँ जाना है। इसके साइड से निकल रहे, तो अभी हम लोग जा रहे हैं और ऊपर। हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं सातताल, तो अभी इसको छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है आधे टाइम कवर करेंगे, और एक दो और जो प्लान है वो भी हो सकता है कि कंटिन्यू रखे। तो हो सकता है कि ये जो लेक है वो कवर ना कर पाए, इसके लिए मैं आपको अभी ही दिखा दे रहा हूँ। सातताल लेक, और यहाँ से बस 3.4 किलोमीटर है, लेकिन रोड का जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा है। मतलब अभी तो सही रोड है, पहले इससे बहुत ज़्यादा ख़राब था। पूरा सीमेंटेड रोड है और बहुत ख़राब है, और पिलियन को लेके तो और ज़्यादा टफ है। बट ठीक है, कोई नहीं, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सातताल का रोड अंदर में फॉरेस्ट एरिया है, 10 रुपये का टिकट लेके आप जा सकते हो अंदर में। तो यहाँ पे बर्ड स्पॉट कर सकते हो, और छोटा सा वाटरफॉल भी है 12-13 फीट का। ऊपर हम सातताल में घूम रहे हैं, आपका आगे चर्च है, जो ट्रैकिंग है। लेट्स सी, जा पाते नहीं जा पाते, कहाँ तक जा पाएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। आगे जंगल एरिया है पूरा। जंगल में घूम रहे, जंगल में सातताल जंगल में देखो सीढ़ियां पूरा लेक तक, और डुबा देंगे आपको हम नीचे। चलिए नीचे डूबने, मछली करने। यहाँ पे मछली करना अलाउड नहीं है, पीछे बोर्ड था पर एक मछली मुझे दिखा नहीं है, अलाउड नहीं है। यहाँ पे जिप लाइन चालू है, ताल से कैची धाम जाने के लिए। तो अभी तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो आई डोंट नो कि एग्जैक्ट किलोमीटर कितना है यहाँ से, बट जैसे ही नेटवर्क आता है वैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है फिर। हाँ, तो यहाँ पे हमने अपने पिलन राइडर को कह दिया बाय, एंड अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ सोलो कैची धाम के लिए। मैप्स यहाँ से 40 मिनट्स लगने वाले है, एंड नियरली 12 किलोमीटर्स है।
कम टू द ट्रैफिक ऑफ हल्द्वानी है नैनीताल। जहाँ तक मैप पे नज़र जा रहा है वहाँ तक पूरा रेड रेड है। तो इन काट दिया है एंड अब यहाँ से देखते हैं ये कहाँ तक जा पाते हैं। ओहो झारखंड की कोर राइडर वो भी R15 में पिलन के साथ में। और अपने पता नहीं कौन है झारखंड के राइडर आए फुल गियर्स वेयर्स में पिलन के साथ में नैनीताल का मजा उठाते हुए। सो गाइस एवरेस्ट टू कैचीधाम और ये पूरा कैचीधाम का व्यू है एंड यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे आप खरीद सकते हो। एंड ये जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा जाम है बिकॉज़ यहाँ से रास्ता अंदर जाते हैं। अब ये यहाँ का है मेन गेट और मेन गेट के बाजू में एक निःशुल्क जूता स्थान जहाँ पे अपना अपने शूज रख सकते हो। धाम देख के हो गया एंड अभी यहाँ से निकलने वाले हैं नैनीताल के लिए। तो नैनीताल जो यहाँ से है वो है 50 किलोमीटर्स एंड इट इज शोइंग इट विल टेक अराउंड 1 hour and 46 minutes। तो यहाँ से 49 किलोमीटर्स दिखा रहा है 1 hour 50 minutes। तो देखते कितना टाइम लगेगा और मेरा कैमरे का बैटरी भी पूरा ड्रेन हो गया है और मैं पावर बैंक लाना भूल गया हूँ। तो अभी इसको जो है वापस से बाइक से चार्ज में लगाना पड़ेगा और बाइक से चार्ज जब भी लगाता हूँ तब ये रिकॉर्ड नहीं करते। तो देखते कहाँ तक रिकॉर्डिंग हो पाएगा उसके अकॉर्डिंगली फिर। ओके सो ये व्यू चेकआउट मारो गाइस नैनीताल का क्या सही लग रहा है ना बिल्कुल दूर दूर तक पहाड़। और ये रास्ता जाता है नैनीताल के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर्स और। ओके सो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नैनीताल और ये है नैनीताल लेक। ये है नैनीताल लेक का क्लोजर लुकअप और यहाँ पे बोटिंग हो रहा है। बोटिंग का चार्जेस आप वहाँ पे देख सकते हो लगा हुआ है पूरा चक्कर 35 to 40 minutes और हाफ चक्कर है 320 to 25 minutes। सो दिस इज़ अ वेरी फेमस मॉल रोड और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होटल्स है एंड खाने का भी सामान है। और ये इधर से देखो पूरा नैनीताल लेक का व्यू। एंड एक चीज़ और अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो इस साइड पे पूरा रहोगे एंड उस साइड पे अभी भी पूरा धूप निकला हुआ है। मैंने नैनीताल के व्यू पॉइंट चेक करने के लिए एक कार बुक किया है और उसके बाद जो भी पॉइंट्स आएंगे एक एक करके भैया बता रहे तो वो जो रिकॉर्डिंग है वो मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। भैया 12 पत्थर रॉक क्लाइंबिंग सेंटर है जो आर्मी वाले एनसीसी वाले बच्चे आते हैं रॉक क्लाइंबिंग सीख के हिमालय भी आते हैं हिमालय के बाद आर्मी में शिफ्ट होते हैं। कहने देते हैं कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। ये सामने है ना ये 12 पत्थर लिखा है बोर्ड पे ये 12 पत्थर लिखा है लिखा है सर। इधर जो जा रही है ना रोड इधर वो ये जा रही है दिल्ली 287 दिल्ली 312 देहरादून 67 किलोमीटर जिम कॉर्बेट इधर से ये वाली जो रोड जा रहा था सामने देख रहे दिल्ली देहरादून जिम कॉर्बेट जा रहा। हाँ ये ऐसी केप ठंडी गुफा लौटते में देखिए पहले ऊपर के पॉइंट कवर करा लो है ना ऊपर के ना धूप धूप में ना सर फोटोग्राफी हो जाएगी। और फर्स्ट व्यू पॉइंट ये नैनीताल वैली व्यू पॉइंट। ये देखो गाइस हिमालय
ये देखो यहाँ से हिमालय दिख रहा है पूरा कंप्लीट कंप्लीट व्यू। एंड यहाँ पे ऐसे फोटो खिंचाने के लिए ये भी है। भैया दूरबीन से भी दिखा था टेलीस्कोप से पाइप यहाँ से हिमालय जी है हमारा आज का तीसरा पॉइंट। यहाँ से वैसे तो हिमालय का पूरा व्यू दिख रहा है लेकिन ये है 0 पॉइंट आगे में तो यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा बर्फ़ उगता है। एंड ये है इको पॉइंट तो यहाँ से आवाज़ लगाने में आवाज़ गूंजता है तो इसे मैं तो नहीं चिल्लाने वाला लेकिन अगर आप लोग आ रहे हो तो आप लोग आगे चिल्ला सकते हो जाके। और यहाँ से आगे एक गाँव जाते हैं तो बस अपना जो राइड था वो यहाँ तक ही था। एंड अब यहाँ से हम लोग वापस आने वाले हैं तो ये जो पत्थर आपको दिख रहा है ना यहाँ से ही खड़े होकर चिल्लाने पे आवाज़ जो है वो की इको होता है। और यहाँ से भी देखो पूरा कंप्लीट हिमालय दिख रहे ये देखो। श्री सत्यनारायण मंदिर है ना ये। कौन सा ताल है? सुबह ताल ना। छह महीना भरा छह महीना खाली। सही है ऐसी वीडियो बना दो चलो जैसी ये ना सुबह ताल है। अच्छा सूखा ताल ना। हाँ सूखा ताल ये बरसात में ही भरता है। हाँ ये बरसात में भरता है यार।